Hello students, in today's video I am going to discuss the analyze and review of the yesterday's physics paper. First of all, the difficulty level was medium. Paper jo tha wo medium level ka tha. Aisa nahi ki wo paper yada tough tha ya bilkul hi easy tha. Jo student padh ke gaye the unka paper kafi had tak theek hua hai, aur jo bhi student mere concern mein the unka paper bhi kafi acha hua hai. Lekin fir bhi kuch student aise hain कि जो नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो सिर्फ बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाते, वो सिर्फ शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं. मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स, मैं जस्ट एक आपको आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि और क्या आपके पास पॉसिबल है कि ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर आ जाए. लेकिन यदि सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको नुकसान हो. मैंने आप पिछले मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने अपने लास्ट 3 वीडियोस में ये बात बिल्कुल क्लियर आपको बोली थी कि स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक आइडिया है, इन क्वेश्चन पे ही टोटल डिपेंड नहीं रहना, आपने अपनी भी तैयारी करनी है. फिर भी लेकिन जो मैंने आपको लास्ट 5 डेज टिप्स दिए थे उनमें से 90-95% पैटर्न फॉलो हुआ है, और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एग्जाम के बाद. उन स्टूडेंट्स का पेपर जो भी मेरे कंसर्न में थे या जो भी मतलब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वो उन सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. सिर्फ एक दो को छोड़ के उन्होंने नेगेटिव कमेंट पास किए हैं. ऐसा नहीं है स्टूडेंट हर एक टाइप का मिलेगा. टीचर सिर्फ उसे एक गाइड देगा, उसे सिर्फ एक पाथ बताएगा. चलना तो स्टूडेंट आप लोगों को खुद ही है. ऐसा नहीं है कि कोई भी आप शॉर्टकट अपनाओगे और शॉर्टकट सक्सेस आप अचीव कर लोगे. शॉर्टकट से कुछ भी पॉसिबल नहीं है. मैं पहले सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने क्या आपको दिया था और क्या आपको आया है. जैसे कि डिफिकल्टी और टाइम कंज्यूमिंग जो सेक्शन था वो सेक्शन सी था. मैंने ये वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था. न्यूमेरिकल्स का जो लेवल था वो मीडियम था और इजी थे. कुछ न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट निकल रहे थे, और 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे थे कि जिसमें आपको कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करना था. और पास्ट ईयर पेपर जो आपके पास थे उसमें 3-4 क्वेश्चन आए थे. तो इन आइडियाज की जैसे मैंने आपको दिया था, उन आइडियाज पे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो 55-65 प्लस स्कोर हैं, जो स्टूडेंट आराम से गेन कर रहे हैं. पेपर के बाद काफी स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उन सभी ने हमसे डिस्कस किया कि जो भी सर आपने बताया था, जो भी है उनके बेस पे हमने यदि तैयारी की है तो हमारा स्कोर इतना आ सकता है, वो इसमें बिल्कुल श्योर है. आज के वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि पेपर को मैं एनालाइज कर सकूं कि कैसे स्टूडेंट्स हैं. कुछ स्टूडेंट्स पॉजिटिव रिस्पांस भी पास करते हैं और कुछ हैं जो सिर्फ शॉर्टकट ही अपनाएंगे. वो सारा साल पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट मोमेंट पे ही. ऐसे कभी नहीं होता कि आप यदि 4 महीने का खाना एक साथ ही खा लो और 4 महीने भूखे रहो तो हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा. तो सेम स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, सिर्फ आपकी लाइफ अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई, ये तो एक जस्ट एक शुरुआत है. प्लस टू के बाद ही एक्चुअली कैरियर आपका स्टार्ट होता है. तो जहां पे भी आप एडमिशन लेते हो, कुछ भी आप अचीव करते हो, तो वो थोरोली पूरे साल आपको मेहनत करना पड़ती है, तब आपको रिजल्ट जाके उसका लास्ट में मिलता है. सो कीप इन माइंड दिस थिंग इन फ्यूचर. एज आई हैड सेड दैट इन दिस एग्जाम द यूनिट नंबर 1 8 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 7 मार्क्स, यूनिट नंबर 3 7, दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ यूनिट्स. सो इफ वी एक्सक्लूड द यूनिट नंबर 5 एंड 7, द पेपर वॉज ऑफ 64 मार्क्स. और ये मैं आपको अपना वीडियो बता रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम किया था कि लास्ट 5 मिनट टिप्स या 5 डेज रिविजन टेक्निक्स, तो इसमें भी मैंने बताया था कि जो 5 और 7 को छोड़ दें तो 63 का हमारे पास आता है, और पेपर आपको 64 मार्क्स का आया है. तो स्टूडेंट्स इतना तो चलता है. सेकेंड, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसके लिए मैंने 1, 2, 4 एंड 6 आपको यूनिट बताई थी, और यही पैटर्न आपके पास आया था. 1, 3, 4 एंड 6 इनमें से क्वेश्चन आपको आए थे. तो 1 से भी क्वेश्चन आए थे, 4 से भी क्वेश्चन आए थे, और 6 यूनिट में से भी क्वेश्चन. जो मैंने आपसे स्कीम डिस्कस की थी, मैंने अपने पूरे पैटर्न को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. हमारे पास पैटर्न क्या था, डेरिवेशन पार्ट, न्यूमेरिकल्स, डिवाइसेस, डायरेक्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम, ग्राफ्स, टेबुलर फॉर्म एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. मैंने ये आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेरिवेशन पार्ट है वो 12-15 मार्क्स का होता है, और इस बार के जो पेपर में डेरिवेशन पार्ट आया था वो 14 मार्क्स का था. ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको डेरिवेशन पार्ट में थे. न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल हमारे पास 1, 2, 6, 5, 7, 8 इनमें से न्यूमेरिकल बनता है. न्यूमेरिकल मैंने आपको 10-12 मार्क्स के बताए थे, और एक्चुअल पेपर में 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे. तो स्टूडेंट्स इतना तो चलता है, एक आध नंबर कभी भी आगे पीछे हो सकता है. जो डिवाइसेज थे,
डिवाइसेस कौन कौन से हमें क्वेश्चन आए थे, डिवाइसेस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डिफ्रैक्शन पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन था, ट्रांजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन था, साइक्लोट्रॉन के ऊपर कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो डिवाइसेस बताए थे वो आपके पास 13 to 15 मार्क्स का था, और उसमें हमें जो एक्चुअल पेपर में आया था वो 18 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन या कंसेप्ट की बात करें तो मैंने आपको 13 to 14 मार्क्स का बताया था, उसमें हमें 12 मार्क्स का आया था। ग्राफ्स, डायग्राम और टेबल, इनमें मैंने 8 to 10 मार्क्स का बताया था, और उसमें से 8 मार्क्स का पेपर आपको आया था। और वैल्यू बेस तो हमेशा सेम ही रहता है, वो एक ही क्वेश्चन हमें आता है। तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन थी सिर्फ डिवाइसेस को छोड़ के। डिवाइसेस में 13 to 15 का तो यहां से 18 का था, और यहां पे 13 to 14 का था तो यहां पे 12 था। इन दो को छोड़ दू, सिर्फ इसमें भी एक दो नंबर का फर्क है, तो बाकी वही पैटर्न टोटल फॉलो हुआ था कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कमेंट जो हमें होते हैं वो हमें डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट में स्टूडेंट्स को सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है वो सिर्फ होंगे, यदि मान लो मैं 100 स्टूडेंट्स लूं तो वो सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स होंगे जो नेगेटिव कमेंट पास करेंगे। जब मेरे पास 98% स्टूडेंट ऐसा है कि जो सेटिस्फाइड है, तो उनके वेल विश के लिए या उनके गुड फ्यूचर के लिए मैं ये चैनल बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा। जो हमारा एक बार ये चल पड़ा है इसे मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इस पेपर के बेस पे ही मेरे से चाह रहे हैं कि सर मैं केमिस्ट्री का भी आइडिया दो कि केमिस्ट्री या मैथ में हम स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा नीट या जेई का एग्जाम है तो उसमें फिजिक्स का क्या रोल है, उसमें फिजिक्स के कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैंने इस टॉपिक को सिर्फ इसीलिए रोक दिया था, मेरे पास इसके भी वीडियो बने हुए हैं, मैंने सिर्फ इस टॉपिक को इसीलिए रोक दिया था कि पहले जो प्लस टू क्लास है वो हमारे पास प्रायोरिटी पे थी। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूं, मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री का आइडिया दे सकता हूँ कि केमिस्ट्री में क्या है। फिर भी मैं अभी भी खुद शाम को मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जैसे पहले बोला था कि टोटल उन पे ही डिपेंड मत रहना। वो जस्ट एक आइडिया होता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप उन क्वेश्चन को एक रेफरेंस लेके इस तैयारी को एनालाइज कर सकते हो, लेकिन टोटल डिपेंड इन पे रहना ये बिल्कुल नहीं है। कोई भी सक्सेस है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट वे नहीं है। सक्सेस आप तभी गेन कर सकते हो जब आप कंटिन्यूसली स्टडी करोगे। मैंने आपके वीडियो में चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपसे यही डिस्कस किया है, यदि आप कंटिन्यूसली स्टडी करोगे तभी आप सक्सेस गेन कर सकते हो। जैसे देखो कि मैंने वही आपको बताया था कि पॉइंट्स आपने क्या क्या करने हैं। पहले आपने पेपर को 15 मिनट एनालाइज, आप 30 मिनट्स मिल जाओगे। उसके बाद क्या है, आपने मैंने ये सबसे आपके पास डिस्कस किया था, ठीक है, कि अपने आप में विश्वास रखना है और आप 100% अपना बेस्ट करो। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ये बातों से होगा, आपको करना भी पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ आज के वीडियो में मैं सिर्फ पेपर को डिस्कस और एनालाइज करना चाहता था। इस पेपर पे जो मैंने आपको आइडिया दिया था, काफी स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, तो वो मेरे लिए एक सबसे पॉजिटिव चीज है, वही मेरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।